जनजाति कार्य विभाग की खो खो की टीम ने 66वीं राज्य स्तरीय शालेय खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता में 19 वर्ष बालक में उपविजेता स्थान प्राप्त करके वापस आगमन पर बस स्टैंड से ढोल ताशे से बीआरसी मैदान तक खिलाड़ियों को लाया गया। पीयूष राकेश यादव, युवराज भास्कर पाटिल व अर्पण मायाराम मंडलोई के आगमन पर बस स्टैंड से ढोल ताशे से बीआरसी मैदान तक खिलाड़ियों को लाया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के उपविजेता खिलाड़ियों का जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, स्वराज युवा संस्था के अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा पुष्पहारों से स्वागत किया गया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार द्वारा भी खिलाड़ियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।